साहबा किराम आपकी खैरियत दरियाफ्त करने भी तशरीफ लाते थे, नमाजों के औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में भी तशरीफ ले जाते थे। वफात से तकरीबन 5 दिन कबल आपको शिद्दत का बुखार था, आपने हुक्म दिया कि 7 बिश्कीजों का पानी, उससे मुझे गुसल दिया जाए। एक बड़ा बर्तन टब टाइप, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, आप पर पानी डाला गया, 1, 2, 3 करके 7 मिश्कियों का पानी आपके ऊपर बहाया गया। उसकी वजह से बुखार का कुछ जोर टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए और सहाबा किराम को खुतबा इरशाद फरमाया, और ये वो आखिरी खुतबा है जो आपने मेंबर पर बैठ कर दिया। इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी गुफ्तगू है इस दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले, वो अपने हुजरे में है या सहाबा किराम के साथ वैसे गुफ्तगू है, लेकिन खिताब की सूरत में मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर ये आपकी आखिरी गुफ्तगू। चंद बातें आपने बड़ी सराहत के साथ इरशाद फरमाई, फरमाया लअनल्लाहु अल-यहूद वन्नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत फरमाए, अपने अंबिया की कब्रों को इन्होंने इबादत का बना लिया, मस्जिद बना ली, और आपने दुआ भी फरमाई, अल्लाहुम्म ला तजअल कब्री वतनन युबद, या अल्लाह मेरी कब्र को एक बुतखाना ना बन जाए जहां उसकी इबादत की जाए। रब्बे कायनात ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर इबादत करने की इजाजत नहीं है, वगरना जो उम्मत और जो कौम हर 1 किलोमीटर के दायरे में 10 कब्रें 10 मकबरे सजाकर बैठती हो, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की इबादत करना ये बड़ा आसान है।